the system you have, the government you have, जो गवर्नमेंट सिस्टम रन कर रहा है हमारे ख्याल में ये है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मौका मिलता जाए, हकूमत कटे जाए, डिक्टेटरशिप सिर्फ कम सिर्फ चलेगी, इसका कोई एंड नहीं है। पैंथर्स पार्टी के सचिव जिसकी मीटिंग चेयरमैन हरदेव सिंह जी की सदारत थी सचिव की, और ये जो आपके सामने ये बयान हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बड़े क्लियरली पैंथर्स पार्टी के प्रोग्राम के बारे में आपसे ये कहना चाहते हैं कि नंबर एक, जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड जो है इसका था, इसको 5 नवंबर को 2019 को इसको खत्म कर दिया था, और उस दिन से जम्मू कश्मीर की रियासत में आप यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टेट जिसकी बुनियाद 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी, उस स्टेट को जो ओल्डेस्ट स्टेट थी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में, टेरिटरी थी रही 200 साल तक जिस स्टेट बनी रही, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो सबसे ज्यादा अन्याय नाइंसाफी जम्मू कश्मीर रियासत के साथ थी, यहाँ के लोगों के साथ थी। सबसे पहले जैसे वजीर आजम ने खुद कमिट किया था, रूलिंग पार्टी ने खुद कमिट किया था कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस करेंगे वहां पर। तो पैंथर्स पार्टी के सेक्रेटरी की ये मांग है वो वापस बाहर कर जाए, स्टेट हुड जम्मू कश्मीर में जॉइन हो जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने का कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी जो रियासत बनी थी जम्मू के खिलाफ, लद्दाख इनके मुतल्लिक नाइंसाफी थी लोगों की, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब डिलिमिटेशन के चक्कर में जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की वो जम्मू कश्मीर में अब इसका कारण यानी वक्त और बढ़ाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड जो है वो वापस लाने की मुझे उम्मीद नहीं लगती है, हमने ऐसा महसूस किया। फौरी तौर पर इलेक्शन की जाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस करो।